एक बार फिर से आज हम नई वीडियो लेकर आ चुके हैं और ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है क्योंकि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर व्यस्त थे। आज जो एम्पलीफायर हम लेकर आए हैं वो है एक हाई पावर एम्पलीफायर। फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, पावर आउटपुट, डिस्टॉर्शन और इनपुट आउटपुट जो भी है वो सभी डिटेल्स आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रही होंगी। कुछ हम बता देते हैं, ये एम्पलीफायर 600+600 आरएमएस 4 ओम पर देता है। इसके अंदर हमने हमारा वेरी लो डिस्टॉर्शन वाला एम्पलीफायर मॉड्यूल जो कि XAV4 है, हाई फाई मॉड्यूल है, उसी को अपग्रेड करके हाई वोल्टेज पर हमने चलाया है और यहाँ पर इसको हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है इसी एम्पलीफायर के लिए। इस एम्पलीफायर के अंदर सभी प्रकार की प्रोटेक्शंस इनबिल्ट हैं, जैसे कि ओवर टेम्परेचर, यहाँ आप देख सकते हैं थर्मोस्टेट लगा हुआ है, दोनों ही बोर्ड्स में लगा है, इसमें नीचे की तरफ है। ओवर करंट प्रोटेक्शन, यदि आप इसे 2 ओम पर चलाते हैं और ज़्यादा ही हीटिंग होने लगती है उस दौरान, ओवर हीटिंग की वजह से एम्पलीफायर प्रोटेक्ट मोड में चला जाएगा। यदि 2 ओम से ज़्यादा भी नीचे लोड चलता है और ज़्यादा ही इसके ऊपर लोड पड़ता है, ओवरलोड होता है, तो इसमें रिले ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगी। तीसरी जो DC प्रोटेक्शन है वो भी इसके अंदर इनबिल्ट है, यदि कोई ट्रांजिस्टर खराब होता है तो हमारे स्पीकर नहीं जलेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ पर रिले टर्न ऑफ हो जाएगी। चौथी है इसके अंदर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, इस एम्पलीफायर के अंदर शॉर्टिंग प्रोटेक्शन भी है। शॉर्टिंग प्रोटेक्शन बोला जाए तो स्पीकर टर्मिनल जो पॉजिटिव होता है उसका ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाना, जैसे भी ये चलते हुए एम्पलीफायर पर आपस में शॉर्ट होगा या हमारे स्पीकर खराब होता है या कोई हम जॉइंट वायर लगा देते हैं जो आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, तो उससे भी ये एम्पलीफायर बचा हुआ रहेगा, खराब नहीं होगा। पर यहाँ इस चीज़ को ऐसा ना समझें कि इसकी वायर को निकालें और आपस में शॉर्ट करके खेलें, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसको डिटेक्ट करने में कुछ मिलीसेकंड्स का टाइम लगता है, उसके अंदर इन ट्रांजिस्टर्स पर लोड पड़ता है, तो इस चीज़ को हम बार बार करेंगे तो इनकी लाइफ कम हो जाएगी। इस एम्पलीफायर के अंदर सॉफ्ट स्टार्ट इनबिल्ट है क्योंकि ट्रांसफार्मर काफ़ी ज़्यादा हैवी है। इसके अंदर हमने 1500 वाट का एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया है जो कि 60-0-60 वोल्टेज पर काम करता है, जो कि 60-0-60 की आउटपुट देता है। यहाँ पर हमने 8 कैपेसिटर की पावर सप्लाई यूज़ की है, जिसके अंदर हमने 10,000 माइक्रोफैरड 100 वोल्ट के 8 कैपेसिटर यूज़ किए हैं। कूलिंग के लिए इसमें फ्रंट साइड में माउंट किए हुए 2 फैन दिए गए हैं और पीछे की तरफ कोई फैन नहीं दिया है। इसके दूसरे वर्जन में हम यहाँ पर पीछे भी फैन दे देंगे क्योंकि इस कैबिनेट में ऐसा कोई प्रोविजन था नहीं। और इसके अंदर क्या है, ऊपर की तरफ ग्रिल कटी हुई है तो हीटिंग ऊपर की तरफ से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा अब इस एम्पलीफायर के अंदर इनपुट और आउटपुट पर हम बात कर लेते हैं। इस एम्पलीफायर के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये LCR एम्पलीफायर की हमारी कैबिनेट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैबिनेट होती है। ये जो है इसमें हमने डमी लगाया हुआ है, ये किसी काम का नहीं, यहाँ पर होल एक्स्ट्रा बच रहा था तो मैंने लगा दिया। अब इसके इनपुट और आउटपुट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बैलेंस्ड इनपुट भी है और अनबैलेंस्ड भी है, वो तो एक ही सॉकेट में चल जाती है, पर यदि RCA के साथ कनेक्ट करना हो तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है कि RCA टू बैलेंस कन्वर्टर हमें बनाना पड़ता है या RCA टू XLR की जो है केबल हमें बनानी पड़ती है। तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हैं, यदि इसको नीचे कर देंगे तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, ये यहाँ पर भी आप अनबैलेंस्ड इनपुट लगा सकते हैं और RCA में भी अनबैलेंस्ड इनपुट दे सकते हैं। ये दोनों टॉगल स्विचेस बैलेंस टू अनबैलेंस के लिए दिए गए हैं। इस एम्पलीफायर के अंदर दोनों चैनल्स पर लोपास फिल्टर को भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं यदि इसे लोपास की तरह यूज़ करना हो, क्योंकि एम्पलीफायर लोपास के लिए ही हमने बनाया है, पर इसे नॉर्मल मोड में भी चला सकें इसके लिए हमने ऑप्शन दिया हुआ है। यदि इस टॉगल स्विच को नीचे कर देंगे हम तो लोपास फिल्टर ऑन हो जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर हमने एक वॉल्यूम दिया हुआ है, पीछे पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, इसकी जगह हम प्रीसेट भी लगा के दे सकते हैं। तो वो नेक्स्ट मॉडल में उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि प्रीसेट अंदर ही हो जाए ताकि एक्स्ट्रा नॉब ना लगे। और यहाँ पर IC सॉकेट दिया हुआ है तो पावर कॉर्ड हमेशा इसमें अटैच नहीं रहेगी, इससे इसको आप आराम से इधर उधर कहीं भी एम्पलीफायर को लेकर जा सकते हैं। स्पीकर आउटपुट के लिए हमने यहाँ पर बनाना कनेक्टर्स यूज़ किए हैं
नेक्स्ट मॉडल में हम बनाना कनेक्टर प्लस स्पीक ऑन भी यहाँ पर हम लगा देंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रंट पैनल की। फ्रंट पैनल कुछ कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर 5 LEDs लेफ्ट चैनल के लिए दी हुई हैं, 5 LEDs राइट चैनल के लिए दी हुई हैं, और ये है ऑन ऑफ स्विच जो कि ऊपर की तरफ ऑन होता है, और ये राइट चैनल का वॉल्यूम कंट्रोल दिया हुआ है। मास्टर बेड दे रखे हैं, दो वॉल्यूम दे रखे हैं मास्टर वॉल्यूम। यहाँ पर ये लेफ्ट फैन लगा हुआ है लेफ्ट चैनल के लिए, एक राइट फैन है। ये फ्रंट पैनल जो है इसका स्टील का बना हुआ है, 2 mm की स्टील हमने यूज़ की है, बहुत हैवी पैनल है ये। आप जो वीडियोज में देखते हैं लोग बड़ी बड़ी हैवी हैवी कैबिनेट दिखाते हैं 3-4 हज़ार की, ये उनसे बहुत बेटर है। इसमें इसकी थिकनेस यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी हैवी है ये। एलईडी के फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये ग्रीन एलईडी है, 2 नीचे की, और ये है एक्टिव एलईडी। जैसे एम्पलीफायर हम ऑन करेंगे ये 2 एलईडी ग्लो करने लगेंगी दोनों चैनल की। उसके बाद है प्रोटेक्ट एलईडी, उसके बाद है फिर क्लिप एलईडी रेड कलर की, फिर उसका सिग्नल एलईडी है, एंड देन फिर ये थर्मल एलईडी है। दोनों चैनल के लिए सेम ये जो है कॉन्फ़िगरेशन है। तो आइए अब इस एम्पलीफायर को ऑन करके चला करके देख लेते हैं। ऊपर से ढक्कन लगने के बाद हमारा एम्पलीफायर कुछ ऐसा दिखता है। अब इस एम्पलीफायर को चला कर देख लेते हैं। चला के देखने के लिए हमने यहाँ पर दोनों इनपुट दे दिए दोनों चैनल में। पहले हम एक चैनल चला करके देखेंगे, फिर दूसरा चैनल चला के देखेंगे। और क्योंकि हमने बैलेंस इनपुट नहीं दे रहे हैं, हमने सीधा अपने कंप्यूटर के साथ इसे कनेक्ट किया, तो इसे अनबैलेंस्ड मोड में कर देंगे। बट हम इनपुट जो XLR से ही कराएंगे क्योंकि हमारे पास XLR ही है अभी। और स्पीकर हमने यहाँ लगा दिया एक चैनल में, लेफ्ट चैनल के अंदर हमने लगा दिया है। ये सब ऊपर वाला भी ऊपर की तरफ है तो ऑफ है। और पावर देने के लिए हमने यहाँ पर IC केबल लगा दिया है, इसे ऑन करेंगे फैन को। फैन के चालू होने के बाद आने लगी और लेड LED दोनों की धीरे धीरे बंद हो चुकी हैं, यानी एम्पलीफायर ऑन हो चुका है। वॉल्यूम से रखेंगे हाफ में, और अब इसमें एक गाना प्ले करेंगे। ज़्यादा हाई वॉल्यूम पर हम नहीं बजाएंगे क्योंकि हमारे स्पीकर की बैंड बज जाएगी, तो हम इसलिए इसको बाय डिफॉल्ट। We'll be right back.
अब इसका सबवूफर मोड ऑन करके देखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। ये एम्पलीफायर आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। कोई भी विचार या फिर सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।